डे का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर लग रही है रोशनदान, छोटे से बड़े कर दिए। ये है काम हमारे लिए। अब दूसरे कमरे का दिखाती हूँ, दिखाते दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। देखो मेहनत का काम करना पड़ेगा। उन्होंने रास्ते में मशीन है ना, अभी उनकी नहीं जा सकते हम। हाँ हटा ले वो, 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ वो कोई नहीं, राशन के लिए जाना था। जाना था फ्रेंड्स, हमारे सामने वाले भाई साहब का भी काम लग रखा है, पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है। ऐसा लग रहा है सारा काम हमारे मोहल्ले वाले ही करा रहे हैं। तो उनका भी शायद आज लेंटर डलना है। एक गाड़ी उधर खड़ी है, 2 गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं, इधर गाड़ी और इधर हमारी साइकिलें, तो ये सब खड़ा है। और मतलब एक के बाद एक परेशानी अभी ऐसी हो रही है। अभी थोड़ी देर में मुझे राशन लेने जाना है, तो राशन लेने जाऊंगी। रास्ता ब्लॉक हो रखा है, अभी थोड़ी देर में ये मशीनें हट जाएंगी तो फिर मैं जाऊंगी राशन लेने के लिए। तब तक मैं थोड़ा अपना घर का ही काम कर लेती हूँ। इधर ही इनका चल रहा है, बाप बेटी का काम। राशन तो आज राशन के लिए जा रहे हैं अलशेर में। और अब हट गया ना सब, रास्ता साफ हो गया। चल चलिए जी, सारा कुछ। और कल यहीं ना, यहीं ईंट से मेरी चोट लग गई थी कल, बहुत तगड़ी वाली कट गई थी, बहुत खून निकला, खून की ड्रॉपें भी पूरी, तो खून की ड्रॉप गिर रखी हैं। चलिए जी अब हम चलते हैं राशन लेने के लिए, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। मम्मी आगे को आ जा। धूप में घूमता रहता है भूभी। आइयो कुछ चिंता हो रही है, कहीं लोग पहचानने से इनकार ना कर दे, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो जाए हम भाई बहन, इसलिए उसका इक्वल कलर करने के लिए देखो सनस्क्रीन लगा रही है। आ रे आ रे, कान में भी लग गया है उसकी बहुत सारी। ये देखो भूभी के ड्रामा। बेटू लगा ले फटाफट, दीदी को अखबार देना है फिर। जल्दी आप, बुला रहे मेरे को फिर गर्दन में मैल हो रहा है। रहने दे, हो गया रहने दे, नहा नहीं रखा ना फिर उसने। खाना खाने के लिए हम लोग यहाँ बैठे क्या हुए, हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये सारा सामान ना, ये भी हटाना है यहाँ से, क्योंकि अब ये भी टूटेगा, ये टूटेगा और ये सामान निकालना है। इसमें से जो बेकार सामान है वो तो फेंक देंगे और जो ठीक ठाक सामान होगा उसे हम रखेंगे। और अभी वो लोग खाने खाने गए, तब तक हम इसको खा लें। और मम्मी को हमने दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया थोड़ी देर के लिए। और आज इनके खाने के लिए हम बना रहे हैं, परसों हमने पास्ता बनाया था, तो आज बनाने वाले हैं हम मैक्रोनी। बिस्किट दे देते हैं, मैक्रोनी बॉईल करके रखी हुई, टमाटर वगैरह निकाल रखे हैं, तो 4 बजे के आसपास मैक्रोनी बनाएंगे। तब हम उसको खाली कर लेते हैं पहले, वो काम हो जाएगा हमारा तो उसको भी तोड़ देंगे। चलिए अब चलते सीधे बाहर, सामान निकालते हैं। इतनी खुश हो रही है मैं क्या बताऊँ। देखो हमारे बाल कैसे हो रहे, तेरे बाल भी ऐसे हो रहे ना, धूल मिट्टी से कल धो लेना। चला यहाँ वो ना खाने की सुध हो रही है ना सोने की। ओह आयुषी तेरा टॉप कितना सुंदर हो रहा है, आपका टॉप कितना सुंदर हो रहा है आयुषी, आपके पैर कितने खूबसूरत हो रहे हैं, इनको जमीन पे मत रखिए, जमीन मैली हो जाएगी। प्लीज एक तो तबीयत भी खराब हो रही है, इसका जुकाम हो रहा है इसको, इसके पापा के भी जुकाम हो गया। और अब दिखाती हूँ आपको भव्य का कचड़ा, खिलौनों का कचड़ा कितना निकाला है भूभी ने, है मैंने छाटा उसका,
इसमें भर दिया कट्टे में थोड़ा बहुत। अभी इतना सारा कचरा और है इसका, जो कि अब इसमें डाल देंगे हम। इधर का हमने सफाई कर दिया है, अब यहाँ पोछा मारना रह गया। अभी देखो ऊपर की कंडीशन ऐसी हो रही है। फिलहाल आयुष यहाँ से दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही, दिख रही वो रही है। हेलो अब की मस्ती देखो, वो भी धक्का दे रहा है ऊपर से। हमारे दो लवबर्ड्स वो भी पधार के टाइम से लेटे हुए हैं। बिगड़ी कर दूँगा पैर को पीछे। गाना लगाऊंगी हम तेरे बिन कहीं। पूजा हो चुकी है मेरी और अब जा रही हूँ छत में, क्या करना है उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है और गैस बुक करानी है, तो इसलिए फ़ोन लेके जा रही हूँ मैं। चलिए आ गए। लो गैस बुक कराने के लिए फ़ोन मांग रहे थे ना आप, हैं? और ये है हमारा टंकी का स्टैंड जो ऊपर लगेगा, उसकी वजह से बहुत सीलन आ रही थी इसलिए मजबूरी में ये बनाना पड़ा हमें, और अब सीलन भी नहीं आएगी। उसके नीचे पेड़ उग जाते थे, वो भी नहीं होंगे। और दिखाती हूँ, इस दीवार का प्लास्टर ना आधा हो चुका है हमारा, ये देखिए दिख रहा होगा आपको। अब आज से नीचे खुदाई करेंगे लोग, तो वहाँ का होगा। उसके बाद पता नहीं छत का नंबर कब आता है, तो ये हो रहा है। और अब मैं नीचे चलती हूँ फ्रेंड्स, नाश्ता बना लेती हूँ फटाफट। भव्य चलो बेटा, चलो नाश्ता करेंगे फटाफट, 10 मिनट बाद आप भी आ जाना है। मम्मी ठीक है, 10 मिनट बाद आप भी आ जाना, ठीक है मम्मी? हाँ पर बेटा वो नहीं लेगी। जब आदमी लोग इंसान उसके घोंसले को छू लेते हैं ना, तो फिर वो घोंसले को और बच्चे को छोड़ के भाग जाती है, नहीं आती फिर। हाँ नहीं लेके जाती बेटा, वो लेके ही नहीं जाएगी अंदर। हाँ कुछ भी नहीं लेके जाएगी, भाग जाएगी फिर। चिड़िया ने घोंसला लगा रखा है अंगूर के पेड़ में, अभी दिखाऊंगी आपको। फ्रेंड्स आज इस बेड का नंबर आ गया है, और ये सारे कपड़े अब ये जाएंगे सब गीता के घर में, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े। और ये देखिए कितनी प्यारी सी स्वेटर निकली है आयुषी की, फिर भूवी ने पहनी, अर्णव ने पहनी, और ये देखिए। और ये है स्वेटर भव्य की मौसी ने बनाई थी, बहुत ही क्यूट लग रही है। स्वेटर है ये? सा टोपी बिल्ली वाली नहीं, ये स्वेटर है। हाँ ये स्वेटर है आयुषी ने, का कहना है क्या कहा? तब तक तो बड़ी हो जाएगी यार, सर्दियों तक अगर बैठी हुई तो कहीं नहीं होगी इतनी बड़ी, आ जाएगी उसे फिट आराम से। इतनी क्यूट लग रही है ये गीता की बेटी के लिए फ्रॉक, और ये बाजू देखो कितने फ्रिल वाले घेर वाली फ्रॉक मिल गई है हमको। इसका पजामा पता नहीं क्या है, ये आयुषी के दादू ने बनाया था दिवाली पे, जब तेरी पहली दिवाली थी ना तब एक ड्रेस दादी ने बनाया था, ये मौसी ने बनाया था नामकरण में, लेके आई थी मौसी। बहुत सारे कपड़े हैं, ये देख कितने क्यूट है, अल्मोड़े वाली नानी लाई थी। बड़े क्यों नहीं है मैं पहन लेती है, बड़े क्यों नहीं है मैं पहन लेती। देख कितने सुंदर रोज कार्ड रखे हैं, देख हाथ से, तभी तो हाथ की बनी है ये। हाँ फिर अल्मोड़े में तुझे पता है ना कितना ट्रेंड है इन सब चीजों का। और ये देख आई हो माय गॉड, अब बंद कर दे, बहुत सारी मिल रही है मुझे तो, पजामा भी मिल गया इसका। हमारी शादी में आई थी ये पगड़ी, और पहनते कैसे भाई पता नहीं, ये ऐसे ना बहुत भद्दे लग रहे हो, उतार दो। ये उतार दिया, एक की तो साड़ी बन गई फ्रेंड्स, ये देखो कितनी बढ़िया साड़ी निकाल दी हमने पगड़ी में से, अब इसके नीचे लेस लगाएंगे, स्टैंडर्ड की साड़ी बन जाएगी। तो आगे का काम दिखाती हूँ फ्रेंड्स आपको मैं आज, और ये देखो बस बोतल मांग रहे, उसके बाद यहाँ रख देते हैं, फिर भर भर के दोबारा रखो, अगर ना रखो फिर मांगेंगे बोतल कहाँ है। तो अब ये टूट रहा है लेंटर, क्योंकि
इसमें ही रेंडिंग होगी, पहले वाटरप्रूफिंग होगी फिर रेंडिंग होगी। और इधर का जाल भी हमने बंद करवा दिया, उसमें भी लेंटर डल गया है। और इस तरफ का काम ये देखिए आप इधर से, क्योंकि मैं उधर जा नहीं पाऊँगी। और दीवार में हो गया है, और ये लगा दिया हमने कपड़े डालने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी थे। और एक इस तरफ लगा दिया मेरे हस्बैंड ने, एक ये एक वो, और एक उधर लास्ट में लगाएंगे, बस इतना काफ़ी है। और बाकी आज अच्छा मौसम हो रहा है, धूप आ रखी है बढ़िया। और दिखाती हूँ, अब दिखाती हूँ आपको नीचे तक पूरा खुदान हो रखा है, देखिए पूरी खुदाई हो रही है। उसके बाद फिर उसमें भी प्लास्टर होगा, पेस्ट लगा दिया है ताकि सीलन और पानी ना जाए नीचे, देखिए। चलिए फ्रेंड्स अब चलती हूँ मैं नीचे, खाना खाने का भी टाइम हो गया। इससे आगे की अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, तो इस ब्लॉग को इतना रखूँ या आगे करूँ देखते हैं बनता है कि नहीं, क्योंकि सब तामझाम फैला हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में।